हेलो इंस्पेक्टर। अरे शिकारी जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। वो बैठे ना। दिव्या के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम? अरे शिकारी जी, मैं तो भूल ही गया था, आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे भाई, अरे कोई एक चाय। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने आई हूँ। शिकारी जी, ऐसा वाकया मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। कैसा हुआ? क्या क्या बताऊं शिकाली जी, ये बात मेरे लिए मरने के बराबर है, मैं क्या करूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मरने वाले मर गए, आप मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दीजिए। पोस्टमार्टम? लेकिन पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्यों? वो क्या है कि दिव्या की लाश हम वैन में ले जा रहे थे, बस अचानक रास्ते में से गायब हो गई। लाश गायब हो गई, कैसे? मैं कुछ जानता हूं तो बताऊं, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं। पता नहीं, आपके इलाके में गरीब आदिवासियों पर दिन रात जुल्म होता है और आपको पता नहीं जी? वो उनको उनके मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते, आपको पता नहीं? एक गरीब आदिवासी लड़की को खाना पकाने के बहाने बांकेलाल के घर बुलाया जाता है, आपको पता नहीं? लेकिन शका, वहां उसकी इज्जत लूटी जाती है, आपको पता नहीं? उसका खून करके दफन कर दिया जाता है, आपको पता नहीं? उसके बाद उसकी लाश भी गायब हो जाती है, मगर आपको पता नहीं? ठीक है, मैं पता लगाऊंगी आपकी सच्चाई, उनकी मक्कारी, दिव्या के खून के एक एक कतरे का पता लगाऊंगी। मिस्टर गुप्ता, दिव्या के खून के कतरे अखबार की सुर्खी बनकर छपेगी और आप और आपका डिपार्टमेंट जालिमों का जुल्म कुछ नहीं छुपेगा। आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं लूंगी। इंस्पेक्टर, डूबते सूरज के बाद सुबह का सूरज हमेशा निकलता है, और जिस दिन दिव्या के केस का सूरज निकलेगा, आप सबकी असलियत सामने आ जाएगी। एक मामूली सी लेखिका ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा लेख लिख डाला और आप लोगों को मालूम तक नहीं पड़ा। वो गांव से शहर कब गई, वापस कब आई, इस बात की भी खबर नहीं आप लोगों को? अरे हम लोग को खबर होती तो वो शहर पहुंच सकती थी क्या? घर में बैठकर नसवार सूंघने से काम नहीं चलेगा बांकेलाल जी। तो फिर कहाँ सूंघने से काम चलेगा, वो हमें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन आपको अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम तो ससुरे हम सब लोग अन के छपे हैं अखबार में। बांकेलाल जी, तुम्हारे नाम में और मेरे नाम में बहुत बहुत फर्क है। मैं कलेक्टर हूँ, मुझे हर रोज हजारों लोग सवाल पूछते हैं, मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। कल साला कोई खड़ा होकर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? पूछताछ तो मेरी भी हो सकती है। फॉरेस्ट ऑफिसर महोदय, आपको अपनी पोस्ट की और तहसीलदार साहब को अपनी कुर्सी की बड़ी चिंता है, बांकेलाल चौरसिया की इज्जत की किसी को नहीं चिंता। बांकेलाल जी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वो मेरी नहीं है, वो सरकार की दी हुई है, उसका सिर्फ स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, ब्रेक सरकार के हाथ में। बांकेलाल के लिफाफन का वजन आपकी कुर्सी के वजन से तनिक ज्यादा है, खरीद डालेंगे ससुरी को। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर हम सोचत रहे होते तो ये सब होता ही नहीं। सोचने के लिए तो हमने इसको रखा था, और इस उल्लू के पट्टे ने ये नहीं सोचा कि ऊ लेखकिया इतना सोच सकती है कि हम सबके नाम अखबार के पहले पन्ने पर छपे। अगर आज उसकी कलम को नहीं रोका गया तो हमें बाकी की जिंदगी जेल की चार दीवारी में गुजारनी पड़ेगी। ऊ की नौबत ही नहीं आएगी। वो कैसे बड़े बाबू? ऊ ऐसे कल्लू कि अगर कलम मां से स्याही ही निकाल दी जाए तो लेखकिया लिखेगी कैसे? मैं समझा नहीं।
साहब मैं। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, लाल से आई है मेम साहब, और लाल का मतलब होता है खतरा। इतनी रात गए आप लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत हमने नहीं की, हिम्मत आपने की है हमारे खिलाफ अखबार में इश्तिहार छपवाने की। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब अंजाम क्या होगा ये तुम लोग नहीं जानते। अंजाम क्या होगा वही तो बताने यहाँ आए हैं। योर ऑनर, जब मैं अपने होश हवास में आई तो मैंने अपने आप को पुलिस की हिरासत में हॉस्पिटल में पाया। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मुल्ज़िमा शिकाली, एक अच्छी लेखिका होने के नाते आपने बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प कहानी सुनाई है। यकीनन अगर ये छापी जाए तो करोड़ों का धंधा कर सकती है। लेकिन अफसोस, अदालत किसी की मन घड़त कहानी पर विश्वास नहीं करती। अदालत सबूत, गवाह और जुर्म को तराजू में तोल कर इंसाफ करती है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर गुप्ता ने मुल्ज़िमा शिकाली को खून से लथपथ तलवार लिए हुए काली के मंदिर में दाखिल होते हुए देखा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इंस्पेक्टर ने शिकाली को तलवार ले जाते हुए देखा होगा, किसी की हत्या करते हुए नहीं। अगर शिकाली ने किसी की हत्या नहीं की थी तो इतनी रात में उसके हाथ में तलवार क्यों थी, और उस पर इंसानी खून कहां से आ गया? खून कहीं से भी आ सकता है, किसी दुकान से, किसी अस्पताल से। योर ऑनर, ज्यादा बहस न करते हुए मैं इंस्पेक्टर गुप्ता को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त खामखा मुकदमे को उलझाने की कोशिश कर रहा है। उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर, एक बेकसूर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर गुप्ता, कत्ल वाली रात आपने मिस शिकाली को कहां देखा? फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से निकलते हुए। और उसके बाद आपने क्या किया? मैं फौरन अपनी जीप लेकर तेजी से मुकादम के घर पहुंचा। तब तक मुकादम का खून हो चुका था। तो क्या आपने शिकाली जी को मुकादम पर वार करते हुए देखा था? नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से मुकादम के घर का फासला कितना होगा? यही कोई 20-25 मिनट का। यह पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। उसके बाद तुम कहां गए? तहसीलदार के घर। वहां पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा? यही कोई 8-10 मिनट। मतलब 8-10 किलोमीटर दूर तक आपको जाना पड़ा है ना? जी हाँ। और आपके वहां पहुंचने से पहले तहसीलदार भी मर चुका होगा, am I right? मर ही नहीं चुका था, बल्कि वहां उसकी राख पड़ी हुई थी, जैसे कोई खाक का पुतला हो। आपको तहसीलदार की मर्डर रिपोर्ट में यह पता चला होगा कि उसे पेट्रोल से जलाया गया था या घासलेट से? नो सर। तो तुम्हारा मतलब है कि उसे शिकाली जी ने माचिस की तीली से जलाकर राख कर दिया होगा? हो सकता है सर। हो सकता है तो ये लीजिए माचिस की डिबिया और जलाकर दिखाइए मुझे। जी जी वो नो योर ऑनर, नो। माचिस की तीली से जलाने पर इंसान के जिस्म पर छाले पड़ सकते हैं, लेकिन वो राख कभी नहीं हो सकता। ये पॉइंट भी नोट किया जाए कि तहसीलदार का जिस्म नहीं, सिर्फ उसकी राख मिली थी। उसके बाद आपने क्या किया? सर, उसके बाद मैंने बाकेलाल की लाश देखी और फिर शिकाली को वही तलवार हाथ में लिए मंदिर में जाते और बेहोश होते हुए देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी खून अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा? नहीं सर। योर ऑनर, इस पॉइंट को खास तौर से नोट किया जाना चाहिए कि इंस्पेक्टर गुप्ता ने किसी भी खून को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है यह किसी भी खून के चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए इनकी गवाही से शिकाली को मुजरिम करार देना गलत होगा। इंस्पेक्टर गुप्ता, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं शिकाली को सरला हॉस्पिटल ले गया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर सरला को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर सरला, क्या आप बता सकती हैं कि मिस शिकाली को आपके हॉस्पिटल में कब लाया गया? 8 अक्टूबर की रात, इंस्पेक्टर गुप्ता इन्हें खुद ले आए थे। उस वक्त इनकी क्या हालत थी? शिकाली जी की रीढ़ की हड्डी छोड़कर करीबन सारी हड्डियां टूट चुकी थी। क्या उस हालत में मिस शिकाली इंस्पेक्टर गुप्ता की जीप से ज्यादा तेज दौड़ सकती थी? जी नहीं वकील साहब, दौड़ना तो एक तरफ रहा, ये उस वक्त सरक भी नहीं सकती थी। फिर ऐसी हालत में आपके अस्पताल में पहुंचने से पहले मिस शिकाली ने इतने किलोमीटर का फासला जीप से ज्यादा तेज रफ्तार होकर कैसे तय कर लिया? जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल।
मगर इंस्पेक्टर गुप्ता के बयान के मुताबिक ऐसा ही हुआ है। मगर मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट साफ कहती हैं कि शिकाली जी की सारी हड्डियां टूटी हुई थी जिनको जुड़ने में 6 महीने गुजर गए। योर ऑनर, ये पॉइंट भी नोट किया जाए, जो औरत 6 महीने तक बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थी वो इतने किलोमीटर जीप से ज्यादा तेज दौड़कर 4 खून कैसे कर सकती है। डॉक्टर सरला जी, जरा इस तलवार को उठाइए। काफी भारी है। योर ऑनर, जब इस तंदुरुस्त डॉक्टर को इस तलवार को उठाने में दिक्कत हो रही है तो उस वक्त शिकाली जिसके हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी इस तलवार को उठाकर 4 इंसानों की हत्या कैसे कर सकती है। मगर एडवोकेट शिव शंकर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये 4 खून हुए थे। यस योर ऑनर, खून तो हुए हैं, मगर कातिल वही ठहराया जाएगा जिसके जुर्म के निशान नजर आएंगे। मेरे मुअज्जिल दोस्त का कहना है कि 4 खून इसी तलवार से हुए हैं, लेकिन शिकाली जी के उंगलियों के निशान इस तलवार पर है ही नहीं, मतलब शिकाली खूनी नहीं है। योर ऑनर, ये खून अगर शिकाली ने नहीं किए हैं तो किसने किए हैं? कौन है वो खूनी? इसका जवाब भी है हमारे पास। वो चश्मदीद गवाह जिसका बयान आज इस अदालत की 4 दीवारों को हिला कर रख देगा, और वो है उस मंदिर का पुजारी। श्रुति स्मृति ये भारतीय संस्कृति है जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और गीता जैसी महान संस्कृतियां हैं जो करोड़ों सालों से हम में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के बीज बो रही हैं। मैं एक ब्राह्मण और मां काली का भक्त हूं। इस कलयुग में जब मैंने उन 4 खूंखार दरिंदों के जुल्म की तस्वीर देखी, मेरी रगों में तूफान मड़ाया। मैं मर कर भी भूल नहीं पाऊंगा वो रात। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भुवम भुवम स्वाहा, ओम जनम तपाम सत्यम, ओम तत्सत गुरुवे नमः, ओम देवदेवी मिदियो नपद्याद, ओम।